नमस्कार दोस्तों, गौरा नीटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह का नीटिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये देखिए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम पहले चार सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हमने साइड के जो हैं 1 2 3 तीन फंदे हम ऐसे रखेंगे दोनों साइड से, ताकि ये रोल ना हो, किनारे इसके जो हैं वो मुड़े नहीं। चौथे फंदे को ले लिया हम मैंने इधर इस नीडल में, और एक नीडल छोड़ के उससे अगली नीडल का फंदा मैंने इस नीडल में ले लिया। फिर यहाँ हमारी जो ये देखिए, ये नीडल हमारी यहाँ पे खाली हो गई। अब इससे जो ये वाला फंदा है इसको भी हमने लिया अपनी राइट साइड। इस नीडल में हो गए हमारे दो फंदे, इसको छोड़ेंगे और इससे जो आगे की तरफ है, राइट हैंड की तरफ है हमारी, उसको लेंगे हम। और इसमें अब इस नीडल में हो गए हमारे दो और दो चार, फिर दो नीडल का गैप आएगा हमारा। ये देखिए, अब दो नीडल का गैप हो गया, दो नीडल का गैप मतलब दो नीडल हमारी खाली हो गई। अब इसको छोड़ेंगे, इसको ले लेंगे और इस नीडल में फंदा इस तरह से ले लेंगे। इस फंदे को लिया हमने अपनी राइट साइड, इसमें हो गए दो फंदे। अभी इसे ऐसे रखेंगे और उससे अगली नीडल का फंदा हम वापस इसमें ले जाएंगे। तो दो नीडल में फंदे हो जाएंगे, दो नीडल खाली रह जाएगी, फिर दो दो नीडल में हमारे फंदे होंगे और दो नीडल हमारी खाली रहेगी इस तरह से। अब साइड से यहाँ पे तीन फंदे छोड़ दिए मैंने। अब जो हमारी नीडल पीछे की तरफ है वो ऐसे ही रहेंगी पीछे की साइड। अब हम इस पर लगाएंगे 8 सिलाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ नीडल, 8 सिलाई लगा दी हमने। अब ये देखिए, दो का आपको दिख रहा होगा। अब जो हमारी पीछे की तरफ ट्रे नीडल है, इन्हें हम आगे की तरफ करके 3 सिलाई लगाएंगे। ये आगे कर दी हमने, 3 सिलाई लगा लेते हैं इस पर। तीन सिलाई लग गई। अब देखिए, जाली के ऊपर के जो ये दो फंदे हैं, ये जाली हो गई हमारी और इसके ऊपर के जो दो फंदे हैं, अब हमें इसकी दोनों साइड के फंदों को ट्रांसफ़र करना है। और ये जो हमारी जाली के ऊपर वाले नीडिल है, इसमें हमारे फंदे ट्रांसफ़र होंगे। तो ये मैंने इधर कर दिया ट्रांसफ़र। ये जाली के ऊपर जो दो फंदे हैं, यहाँ हमें ट्रांसफ़र करना है इस तरह से। जाली के ऊपर के दो फंदे, जाली के ऊपर के दो फंदे हैं और दोनों साइड के फंदों को हमने इनमें ट्रांसफ़र करना है। ये हो गए 4 फंदे, बीच में 2 नीडल का गैप और इस तरह से जो फंदे हमारे पीछे हैं वो पीछे ही रहेंगे। और अब हम इस पे लगाएंगे फिर से 8 सिलाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सिलाई लग गई पीछे की नीडल आगे की, और 3 सिलाई लगा दी। जो अभी किया है हमने, जैसे ऐसे करते हुए जाएंगे, 2 3 तीन सिलाई लग गई। फिर से जो जाली के ऊपर के फंदे हैं उन पे हम अपनी दोनों साइड के फंदों को ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब जाली के जो दो फंदे हैं वो होंगे हमारे अब 4 फंदे, ट्रांसफ़र करेंगे तो 4 फंदे हो जाएंगे। जाली के ऊपर के फंदे हैं, दोनों साइड के फंदों को हमने इस तरह से ट्रांसफ़र करना है।
ठीक है। अब इन्हें हम ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर हम वही 8 सिलाई लगाएंगे। फिर 8 सिलाई के बाद फिर पीछे की जो नीडिल है उन्हें आगे करके और 3 सिलाई लगाएंगे और फिर से हम ऐसे ही रिपीट करते हुए जाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं इस पर कुछ थोड़ा और बुनके फिर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से जब हम बनाते हुए जाएंगे तो ये इस तरह से बन के आएगा। इसका आप इस वॉल पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और देखिए साइड से ही रोल ना हो, मुड़े ना हो ये, तो आप इसके लिए हल्का सा स्टीम कीजिए इसको। ये देखिए इसको मैंने स्टीम किया हुआ है तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी मुड़ नहीं रहा है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।